योगी जी, इस बार बहुत बुरा हिसाब है। एक तो करेला बहुत पैदा हुआ है मेरे खेत में, ऊपर से कोई लेने वाला नहीं है करेला, तो मैंने सोचा क्यों ना टोकरी में रख के जगह जगह जाकर करेले को बेचा जाए। और योगी जी, तुम्हारे गुलाब के फूल की भी अच्छी पैदावार हुई है, शादी पार्टी चल रही है, इस टाइम गुलाब का फूल काफी बिकता होगा तुम्हारा। अरे मोदी जी, कैसी बात करती हो, अगर गुलाब का फूल ज्यादा बिकता होता तो मैं क्या टोकरी में लेके तुम्हारे तरह करेलों की तरह बेचता फिरता। कोई गुलाब का फूल भी इस टाइम नहीं खरीद रहा है, इसीलिए मुझे भी इधर उधर जाकर बेचना पड़ रहा है। अरे राहुल, ये क्या, तुम तो एक तरबूज लेकर ही चलती है टोकरी में, क्या तरबूज एक भी नहीं बिका तुम्हारा गांव में? अरे मोदी जी, बहुत बुरा मद्दा चल रहा है, इतना बुरा मद्दा मैंने आज तक नहीं देखा। एक तरबूज पैदा हुआ है पूरे खेत में और इस तरबूज को लेने वाला कोई नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना तरबूज को टोकरी में रख के दूसरे गाँव में बेच के आया जाए। तुम भी अजीब बात करती हो राहुल, एक तरबूज था घर में, काट उठ के खा के अलग करते, एक तरबूज को बेचने के ऊपर पड़े हो। अगर मेरे खेत में एक करेला पैदा हुआ होता तो मैं एक करेला पका के खा जाता। अरे हवलदार केजरीवाल जी आ गए। अरे हवलदार केजरीवाल जी, क्या चाहिए, करेला चाहिए, करेला ले लो मेरा। अरे भाई मोदी जी, मैं इतनी कड़वी सब्जी नहीं खाता, बहुत कड़वा होता है करेला। अरे ऐसा करो केजरीवाल जी, फूल ले लो, तुम्हारे किसी रिश्तेदार की शादी पार्टी नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, वहीं पे ये फूल ले जाना गुलाब के मेरे। नहीं होगी जी, मेरे किसी भी रिश्तेदार का इस टाइम कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई शादी पार्टी या जन्मदिन कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारा गुलाब का फूल अभी नहीं ले सकता। अरे राहुल तुम रुको, तुम्हारी टोकरी में बहुत बड़ा तरबूज है। अरे एक बात पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तुम तीनों लोग फल फूल सब्जी तीनों आइटम बेच रहे हो, तुम राहुल तरबूज कितने का दोगे बताओ? अरे केजरीवाल जी, एक रेट 50 रुपए का तरबूज लगेगा आपको। अरे राहुल, आधा काट के तरबूज मिल सकता है, 25 रुपए का आधा काट के दे दो। अरे नहीं सर जी, आधा मैं कहाँ पे बेचता फिरूंगा, फिर पूरा का पूरा तरबूज ले लो। तो फिर आधे पैसे उधार कर लो, पूरा दे दो मुझे, 25 रुपए है मेरे पास तो। अरे केजरीवाल सर जी, अगर मैंने आपसे 25 रुपए उधार कर लिए फिर आपसे मांगने की हिम्मत कहाँ होगी, मैं नहीं मांग पाऊंगा, इसीलिए मैं आपको उधार नहीं दे पाऊंगा, पूरे के पूरे 50 रुपए ले आओ। भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे योगी जी रोक लो, बस को यहीं पे रोक लो, मैं बिल्कुल भी आगे नहीं जाऊंगा आपकी बस पे, मैं बिल्कुल पीछे बैठा हुआ हूँ, मैं गिरने वाला हूँ, फिसल रहा हूँ मैं। अरे राहुल, मेरी आवाज योगी जी तक नहीं पहुँच पा रही है, तुम ही बोल दो जोर से कि बस को रोक लो। अरे वैसी जी, मैं कैसे बोलूं, योगी जी बस इतनी तेज चला रहे हैं, आवाज पहुंच ही नहीं पाएगी उनके पास तक। पहली बात, बस को कोई इतना ओवरलोड करता है जितना इन्होंने कर रखा है, बिल्कुल फुल है बस, अंदर भी और ऊपर भी छत पे। लेकिन राहुल, ये योगी जी बस रोकने कैसे लगे, अब तो बस की स्पीड हल्की हो गई, लगता है रोक रहे हैं ये। क्यों रोक रहे हैं, यहाँ तो कोई स्टॉप है नहीं। अरे अमित शाह जी, क्यों रोक रहे हैं, सामने देखो, कोई इंस्पेक्टर साहब बस को रुकवा रहे हैं, अब तो योगी जी की बस का चालान जरूर कटेगा, क्योंकि ओवरलोड बस है। अरे भाई ऊपर वाले भैया जो ऊपर बैठे हो, सुनो मेरी बात, सुनो। जी बोलो, क्या बात है, अभी हम इतनी जोर से चीख रहे थे बस को रोक लो, तब तो तुम बिल्कुल नहीं बोले, अब क्यों हमें आवाज दे रहे हो? अरे भाई इसलिए आवाज दे रहा हूँ, सामने कोई इंस्पेक्टर साहब बस को रुकवा रहे हैं, अगर वो पूछे ये बस कहाँ से कहाँ जा रही है तो बता देना कि ये बस बारात में जा रही है, ये मत कहना कि किराए पे मैं सवारियों को ढो रहा हूँ। भाई मैं तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, तुमने मुझसे पिछले गांव से अगले गांव छोड़ने के पूरे 15 रुपए लिए, मैं तो इंस्पेक्टर साहब को बता दूंगा ये बस बारात उरात में कहीं नहीं जा रही है, ये भाई साहब बस को किराए पे चलाते हैं, भाड़े पे चलाते हैं। चलो मैं तुम्हारा किराया वापस कर दूंगा, लेकिन तुम ये बोल देना कि ये बस बारात में जा रही है। ठीक है भाई, अब तो बोल ही देंगे हम, हमारा किराया वापस कर देना, फिर हमें झूठ बोलने में क्या जाता है। अरे भाई मेरा भी किराया वापस करो, नहीं तो मैं बोल दूंगा इंस्पेक्टर साहब से कि ये बस किराए पे चला रहे हैं, समझे? चलो भाई तुम्हारा भी वापस कर दूंगा, लेकिन तुम्हें ध्यान से ये बोलना है कि ये बस बारात में जा रही है, बारात की सवारी है सब इसमें। रोको भाई बस को, रोको यहीं पे, रोक लो बस को, यहीं रोक लो। जी सर जी बोलिए, क्या गलती हो गई हमसे, बोलिए। गलती की बात करती हूँ, अपनी बस की हालत देखो, ओवरलोड बस है, और ये बहाना मत बताना कि तुम बारात में ले जा रहे हो इस बस को, ये बारात की सवारी है सब। अरे प्लान ये तो फेल हो गया यहीं पे, ये तो पहले ही कह रहे हैं कि बारात का बहाना मत बताना। भाई अब तो चालान नहीं बच सकता, भाई ऊपर वालों सुनो, अब तुम्हारा किराया मैं लेकर रहूंगा, क्योंकि मेरा भी अब ओवरलोड में चालान कट ही जाएगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लो केजरीवाल, 50 किलो टमाटर तोल दिया मैंने तुम्हारा, और लेना है अभी बता दो, देखो अभी तो ढेर पड़ा है टमाटर का, आज यहाँ पर जितना भी टमाटर लेना है ले लो खेत पर, नहीं तो ये सारा का सारा टमाटर कल मैं
मंडी बेचने के लिए ले जाऊंगा शहर में। बस मोदी जी 5 किलो टमाटर और कर दो, 55 किलो टमाटर हो जाएगा, क्योंकि मैं उधार उधार तो करूंगा नहीं, 55 किलो के ही पैसे है मेरे पास। वैसे तो टमाटर बहुत अच्छा है तुम्हारा, अगर पैसे होते मेरे पास ज्यादा तो मैं ज्यादा टमाटर ले लेता, लेकिन मैं उधार करना नहीं चाहता हूँ। अरे केजरीवाल, तुम क्या उधार नहीं करना चाहते हो? टमाटर मैं उधार बेचूंगा ही नहीं, फसल करने में खेती करने में मेहनत लग रही है, जो नगद पैसे देकर जाएगा वो लेकर जाएगा। योगी जी बताओ, तुम बताओ, तुम कैसे बैठी हो? अरे केजरीवाल के तो 5 किलो टमाटर और तोलो, उसके बाद मेरे भी 1 क्विंटल टमाटर तोल दो। और हाँ, मेरा 80 किलो टमाटर ये लाल वाला देना, और 20 किलो टमाटर वो जो हरा वाला टमाटर है तुम्हारे पीछे, वो वाला लूंगा। अरे योगी जी, तुम चाहे जो सा ले लो, मेरे पास तो भरपूर दोनों तरीके के टमाटर हैं। हरा टमाटर भी काफी है और लाल टमाटर भी काफी है। हरा टमाटर थोड़ा कच्चा होता है, वो कुछ दिन रख कर भी बिक सकता है, लाल वाला तो तुरंत जाकर बेचना पड़ेगा। देखो मोदी जी, किसी को कितना ही टमाटर दो, यहाँ से जहाँ से मेरा हाथ है इतना सारा का सारा टमाटर मैं खरीदूंगा, चाहे 1 क्विंटल हो चाहे 5 क्विंटल हो, सारा का सारा टमाटर मेरा हो गया। राहुल, ऐसे कैसे हो गया? पहले 1 क्विंटल टमाटर योगी जी का दे दूं, उसमें से फिर जितना बचेगा फिर तुम और नीतीश कुमार जी आपस में जितना जितना लेना चाहो आपस में ले लेना। मोदी जी, टमाटर तो मैं सारा का सारा लेना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, आप सारा का सारा टमाटर मुझे देंगे ही नहीं। आपका इतना बढ़िया टमाटर है, यही हाथों हाथ खेत पर ही बिक जा रहा है। ये बात तो है नीतीश कुमार, इकट्ठा मैं टमाटर तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि ये केजरीवाल, योगी जी, राहुल, ये सब भी टमाटर लेने वाले हैं। अगर चलो आज तुम इकट्ठा ले लोगे, कल को तुमने इकट्ठा टमाटर नहीं लिया और मैंने इन्हें टमाटर नहीं दिया, तो ये फिर मुझसे कहाँ ले लेंगे। लालू जी, तुम बैठे बैठे 5वां टमाटर खा रहे हो, मेरी नजर तुम्हारी तरफ है। अरे कहाँ मोदी जी, 4था टमाटर खा रहा हूँ मैं। असल में सुबह खाना खाकर नहीं आया था घर से, इसीलिए भूख लगी थी, मैंने सोचा आपके टमाटर ही खा लेता हूँ। 1-2 टमाटर खाने से आपके इतने टमाटर में कमी थोड़ी आ जाएगी। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे भाई मोदी जी, मुझे उतार दो, मैं गिर जाऊंगा। अरे मैं पैसे दे रहा हूँ, लटक के क्यों जाऊंगा पीछे ऑटो रिक्शा पर? तुमने ऑटो रिक्शा को बस बना रखा है, इतनी तो सवारी बस में भी नहीं होती है। एक तो मोदी जी, तुमने अपने ऑटो को अंदर तो फुल कर रखा ही रखा है और बाहर सारी सवारी लटकी हुई है। भाई मुझे उतार दो, मैं गिर जाऊंगा। अरे सही बात है लालू जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं मोदी जी। ये बताओ, हम पैसा दे रहे हैं तो बाहर लटक के क्यों जाएं? अंदर बैठ के सुकून से नहीं जाएंगे? अरे बाहर लटके लटके हमारे हाथ दर्द करने लगते हैं। अरे अखिलेश, लालू जी, तुम ही दोनों को इतना आ जाए, और कोई सवारी तो बोल नहीं रही है ज्यादा। ये बताओ, मैंने अपने ऑटो रिक्शा में तुम्हें जबरदस्ती बैठाना था, तुम अपने आप बैठे थे, तुम्हें जाने की जल्दी थी। अरे मेरे लिए ना सवारियों की कमी है ना तुम्हारे लिए ऑटो की कमी है, किसी दूसरे पे बैठ जाते मुझे सवारी और मिल जाती। अरे भाई, तुम्हारे कहने से कुछ थोड़ी होता है, अगर मैं ओवरलोड ऑटो रिक्शा नहीं चलाऊंगा फायदा हो जाएगा मुझे? अरे भाई मोदी जी, तुमने एक तो बाहर लटका रखा है, ऊपर से इतनी तेज चला रहे हो, कम से कम हल्के ही चला लो अपने ऑटो रिक्शा को, इतनी तेज स्पीड में दौड़ा रहे हो, कहीं तेज झटके में हमारा हाथ उतना छूट जाए, हम गिर जाएंगे ऑटो रिक्शा से। हाँ मोदी जी, योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ हल्के तो चला लो, चलो बाहर लटके हुए हैं हम, कोई बात नहीं। अरे मोदी जी, एक बात बताओ, तुम इतनी सवारी भरती हो ऑटो रिक्शा में, कतई फुल, अंदर भी फुल और बाहर भी फुल, तुम्हारा कहीं पे चालान उलान नहीं कटता? कोई तुम्हें रोकता नहीं है? अरे राहुल, तुम जब भी बोलोगे मनहूस ही बोलोगे, तुमने अभी बोला कि चालान नहीं कटता है, वो देखो चालान काटने के लिए सामने अमित शाह जी मिल गए, अब पता नहीं इनसे किस तरीके से निपटा जाएगा। अरे भाई रोको मोदी जी रोको, मैंने तो दूर से ही समझ लिया था कि इतना भरा हुआ ऑटो है ये जरूर मोदी जी का होगा और तुम्हारा ही निकला। जी अमित शाह जी, बोलिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? अरे सेवा करने की बात कर रहे हो मोदी जी? अरे कम से कम कुछ तो शर्म कर लिया करो, ये ऑटो है कोई ट्रक व्रक थोड़ी है जिसको तुम सब्जी के बोरों की तरह भरे हुए हो। सेवा होगा कुछ नहीं होगी, आज तो तुम्हारा चालान काटूंगा ही ओवरलोड में। अमित शाह जी, आज और छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद ओवरलोड सवारी बिल्कुल भी नहीं ले जाऊंगा अपने ऑटो रिक्शा में। अरे अमित शाह जी जल्दी छोड़ दो, क्योंकि मेरे ऑटो रिक्शा के पीछे जो मनमोहन सिंह जी और राजनाथ सिंह जी लटके हुए हैं, इन्हें जल्दी ऑफिस पहुंचना है, आज के बाद ओवरलोड बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।